एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तानिया, स्वागत करती हूँ अपनी इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग रायपुर आए हैं। आप लोगों को पहले ब्लॉग में मैंने नहीं बताया था कि हमेशा हर 3 महीने में हम लोगों को लड्डू को अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आना पड़ता है। तो 3 महीने में हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, और कल हमें अचानक से आना पड़ गया यहाँ पर, अचानक से आना पड़ गया। मैं घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई, और बीच रास्ते में भी जब मैंने सोचा था कि जब मैं घर से निकल जाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग रायपुर जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, लेकिन हुआ यहाँ पे ऐसा कि मेरी जब रास्ते में हम लोग आए ना, तो हमारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कल लड्डू को अकेले लेकर आई हूँ पहली बार, और इनके पापा भी नहीं आ पाए हैं, वो कहीं टूर पे गए हुए थे और फिर वहाँ से लौट रहे हैं, तो वो ट्रेन से या कि बस से आ रहे हैं, तो अभी तक तो नहीं पहुँच पाए हैं। और हम लोगों के रास्ते में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं कल ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई। रात में कल 10-11 बजे हम लोग पहुँच पाए, और फिर उसके बाद हम लोगों को रूम मिला, रूम मतलब हम लोग को यहाँ पे एक बेड दिया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बेड लिया और फिर रात में वहीं रुके। सुबह 6-7 बजे हम लोग यहाँ पहुँच पाए, मतलब हॉस्पिटल के अंदर हम लोग की एंट्री हुई। अब हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं बच्चे का करवाने के लिए ट्रीटमेंट, तो उसे IQ वगैरह उसका होगा, उसका हार्ट का चेकअप होगा, जिसके लिए उसको दवाई दी गई है, तो इसके लिए वह अभी सो नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से उसको यहाँ पे जब तक सोएगा नहीं, जब तक उसका चेकअप नहीं होगा, तो अब बड़ी मुश्किल से वो सोया है। सुबह से हम लोग जल्दी से तैयार हुए, मतलब मैं नहा धो कुछ भी नहीं पाई, मुँह भी नहीं धुल पाई, और फिर मुझे सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर आना पड़ा, और सुबह से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कैंटीन, और भैया सोया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग का नंबर ही नहीं आया चेकअप के लिए। अब जब नंबर आएगा, जब हम उसका चेकअप करवाएंगे, जब तक हम आए कैंटीन खाने, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मिल रहा है हमें कैंटीन में। भैया कूपन दे दीजिए। कैसे यहाँ पे खाना मिल गया है, कूपन लेके हमें प्लेट लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे सब्जी, रोटी, चावल, दाल मिलता है, तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे, और यहाँ पे कूपन दे के मैंने खाना ले लिया है। अब मैं यहाँ थोड़ा बैठ के खाना खाऊंगी, और चलिए मैं आ गई हूँ कैंटीन में खाना खाकर, और मैं यहाँ का आपको कुछ नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा है, प्यारे फूल लगे हुए, दिखे सुंदर, इतने सारे एक से एक यहाँ पे फूल देखने को मिलेंगे ना आपको, कि क्या बताऊँ मैं, बहुत प्यारा गार्डन है यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल लगे। अच्छे फूल है यहाँ पे, देखिए कितना प्यारा फूल है, इनके लिए बना हुआ है, जो यहीं के स्टाफ वगैरह उन लोगों की, बाकी हम लोगों का तो बहुत दूर है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, यहीं से थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बाकी फिर हम लोग अगर जाएंगे तो हम दिखाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं पता भी हम लोग कब तक रुकने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा यहाँ पर वो बना हुआ है, विष्णु जी भगवान बने हुए हैं, फ्लावर देखिए कितने प्यारे हैं। ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे मैं इसे पीछे से दिखा सकती हूँ, ये देखिए मैं इसे पीछे से दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उस साइड नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं भैया को छोड़कर आई हूँ अकेले। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, यहाँ शाम टाइम बहुत अच्छा लगता है, और ये यहाँ देखिए देखिए ये सामने से ये पूरा हॉस्पिटल है,
तो अभी तक भी लड्डू पापा आ नहीं पाए हैं। उनका बस पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। टाइम बहुत देर से, कल रात से ही वो बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। और फिर सब कुछ मुझे यहाँ पे अकेले ही भैया को लेकर करना पड़ा। और ये देखिए, मैं कुछ यहाँ से शायद आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ से तो जाली लगा हुआ है ना, इस वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हल्का फुल्का आपको दिख गया होगा। विष्णु भगवान बने हुए हैं। और जब अगर मैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने सोचा यहाँ पे हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इतना कुछ ही दिखा दूँ। वैसे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, कैंटीन भी अच्छा ही है, खाना अच्छा मिल गया और बहुत कम ही पैसों में मिल जाता है हर चीज़ यहाँ पे। और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पे बेड मिला हुआ है एक एक रुकने को, वो भी अच्छी सुविधा है कम पैसों में। बाकी किसी भी तरीके से लूटा मारी नहीं है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और ट्रीटमेंट भी मैंने सुना है यहाँ पे अच्छा है। भैया का तो अभी 2-3 बार इलाज हुआ है, और इलाज होने के बाद कई बार बुलाया गया हमें, और अब इस बार पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं। अभी चेकअप वगैरह हुआ नहीं है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पे बना रहे हैं रंगोली। यहाँ पे रंगोली बना रहे, कितना प्यारा। मंदिर में है बोल रहे हैं। ये लो और ये इसको एक गेट है। सारे लोग बैठे हुए हैं। पर हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, और बस थोड़ी देर में ही हमारा नंबर आ गया। और फिर हम बच्चे को लेकर वहाँ चेकअप के लिए गए, और यहाँ पे ये रिसेप्शन बना हुआ है। और जल्दी से मैंने वहाँ पे 1 आध घंटा लगा होगा मुझे, 1 घंटे से भी कम टाइम, और हम लोग आ गए वहाँ से वापस लौट कर। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। रिपोर्ट के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा ही टाइम। शाम को 5 बजे से थोड़ा ही पहले मुझे लगा मिली है रिपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक बैठे हुए थे कि रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा हम लोगों की हालत डाउन हो गई। और क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ सीधे सोकर उठ के सीधे जल्दी से आ गए हॉस्पिटल के अंदर, बिल्कुल भी हम लोगों ने वहाँ पे कुछ नहीं मुँह हाथ धुला ना कुछ किया, और फिर यहीं पर आकर थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए। और इतनी दूर से सफ़र से आए तो जिस वजह से हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। ठीक है, अधूरी बनी हुई वो पूरी बन गई है, और हमारा भी काम हो ही गया है कंप्लीट। तो अब हम भी जा रहे हैं वापस। ये देखिए, ये बाहर का व्यू है, ये बाहर का गेट। भैया को लिए हुए हैं, और भैया को लेने के बाद अब हम जा रहे हैं। पीछे आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा, पूरा हालत बहुत डाउन हो गई। मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत वीकनेस लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब मैं यहाँ पर आई हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट आप लोग को भी दे देती हूँ, कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। और यहाँ सामने मंगल भवन है, वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रुके हुए हम लोग। साइड साइड का व्यू है पूरा, खूब अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ से मेरे लड्डू के पापा हैं, अभी देखना इनका क्या रिएक्शन रहता है लड्डू से मिलने के बाद। मैं तो इनसे लड़ने वाली हूँ बहुत, क्योंकि इन्होंने कल से एक भी बार मेरा फ़ोन नहीं लगाया, मेरे बारे में पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, क्या है क्या नहीं है। गेट के पास चल रही है चेकिंग। ये लड्डू का रिएक्शन, 2-4 दिनों में पापा से मिला है तो ये ऐसा कर रहा है। लड्डू के पापा ने कल से फोन तक नहीं लगाया, इसलिए हमारा लड्डू गुस्सा है।
कट्टी ले, लड्डू कट्टी पापा से। अपन के पास एक भी पापा नहीं लगाए। कट्टी ले भैया कट्टी, लड्डू के सामने देखो, लड्डू चाने देखे चाने। तो वहाँ पर आए का मतलब कब के आए हो? तो ये सामने मंगल भवन है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और वहाँ हमारी खड़ी है गाड़ी। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ सामान रखो तो निकालना। हाँ उठाना तो है, पूरे कपड़े गीले हो गए, पूरा पानी पलट गया पता है अपना। हाँ पढ़ाई पढ़ पढ़ाई पढ़ मार रहा था चाचा को, ये पिटाई लगा रहा था लड्डू फड्डू। मैं नाइट में यहीं पे रूम पे बेड जो मिला था उस पर रुके और उसके बाद हम लोग सुबह सुबह 8 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमने यहाँ से अपना सारा सामान ले लिया है और हम लोग बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, अंदर बहुत सारे रूम बने हुए, ये मंगल भवन है। हम लोग यहाँ से चलो, तुम कुत्ता देख के क्यों रुक गए लड्डू? आओ आजा, चलो गागा, मेरा मोबाइल ही खराब हो रहा है। सामान लोड हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं। सामान सब सिस्टमैटिक रखना है, अपनी नहीं है, किसकी गाड़ी है? अपनी ही तो है ना। नहीं देखो पहले पानी आनी ना गिरा हो, गीला मत कर देना कल जैसे। नहीं नीचे तो गीला नहीं है, नीचे खाली हो गया सब, पलट गया। ये उसको सामने रखना था, वो ये दो रखो, एक दे रखा था वो गीला कर रहा हो गया। नहीं अभी देखो, अभी तो गीला नहीं है। नहीं नहीं चाय नहीं पिए, कुछ खाए नहीं पिए। सामने दुकान बनी थी सत्यवान, और सामने से दुकान मंगल भवन, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। वहाँ पे घूमे नहीं, इस बार भी नहीं घूमे, पिछली बार तो बोले तो घुमाएंगे, इस बार भी नहीं घुमाए। जा घूम के जा, ढाबा में खाना खाने आए थे। लड्डू यहीं सुवा दो। क्यों भैया? वो खड़ी हमारी गाड़ी, ये खड़ा लड्डू को खाने के लिए कुछ मंगा दो पहले। लड्डू को जब तक लड्डू को खिला दे, पता है टाइम लगेगा पता भैया। वो आपने वो बॉटल भी फेंक दी थी, हमें खाना खाने के बाद 300 किलोमीटर दूर जाना था हमें। तो शाम को 8 बजे लगभग हम घर पहुंचे और मोबाइल बंद होने का हम ब्लॉग आगे का नहीं बना पाए। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।